हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, साथ ही बहुत सारे डाउट भी थे। आप लोगों के जो भी ड्रीम इलेवन का प्ले मल्टी मैच फैंटसी फॉर्मेट है इसके बारे में, साथ ही जो ड्रीम इलेवन के दो फीचर है आपका एड बैकअप और साथ ही एक्टिवेट शील्ड फॉर योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, इन दोनों फीचर से संबंधित भी आप लोगों के डाउट थे। तो आने वाली वीडियोस में वन बाई वन एक सिंगल सिंगल वीडियो में इसके बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी आपके डाउट और जो भी आपके प्रश्न थे प्ले मल्टी मैच फैंटसी के बारे में, जो ड्रीम इलेवन का न्यू फॉर्मेट है उससे संबंधित, उसके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन के प्ले मल्टी मैच फैंटसी फॉर्मेट में जो आप लोगों को पहला डाउट यह था कि क्या अगर जो भी राउंड में हम लोग एंट्री लेते हैं तो क्या हमें बार बार एंट्री लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर यह है कि नहीं। ठीक, जो भी राउंड आप खेलना चाहते हैं अगर उस राउंड में जो एक बार आपने एंट्री पेड कर दिया तो बाकी उस राउंड के अदर मैच खेलने के लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना होगा। आप जो फर्स्ट टाइम पेड किए होंगे उसी हिसाब सारे मैच खेल लेंगे। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि जो उसमें ट्रांसफर मिलता है क्या उसको उतनी बार टीम को चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। जो आपको ट्रांसफर मिलता है जो कि हर राउंड का अलग अलग होता है तो उसमें आप उतनी बार टीम चेंज नहीं कर सकते। पूरा जितना आपको ट्रांसफर मिला होगा उतने प्लेयर्स मात्र आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जिस भी राउंड में आपने ज्वाइन किया है उसमें अगर आपको चार ट्रांसफर मिले हैं तो आप चार बार पूरी टीम चेंज नहीं कर सकते, मात्र चार प्लेयर को ही आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, जो भी राउंड आपने ज्वाइन किया होगा तो उसके पहले मैच से पहले आप जितनी बार चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपके ट्रांसफर काउंट होते हैं उस राउंड के जो सेकेंड मैच होगा उससे आपके उसके बाद से जो भी आपने ट्रांसफर यूज किया होगा वो ट्रांसफर काउंट होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही आप लोगों के डाउट यह भी थे कि क्या कैप्टन वाइस कैप्टन आपके ट्रांसफर में काउंट होते हैं, तो नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन आप पूरे राउंड में अनलिमिटेड टाइम्स चेंज कर सकते हैं, यह आपके ट्रांसफर में काउंट नहीं होता। साथ ही अगर जो आप राउंड खेल रहे हैं जो उसका पहला मैच है उससे पहले जो भी आप ट्रांसफर किए होंगे पहले मैच से पहले, वो भी आपके ट्रांसफर में काउंट नहीं होता। ठीक है, आप लोग का अगला प्रश्न यह था कि क्या हम ट्रांसफर जो लिमिट हम लोग की खत्म हो जाती है उसको किसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिलहाल ड्रीम इलेवन की तरफ से ऐसा कोई भी फीचर या फैकल्टी अवेलेबल नहीं है कि जिस भी राउंड में अगर आपकी ट्रांसफर लिमिट खत्म हो गई उस आप ट्रांसफर लिमिट को फिर से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो जब भी आप टीम बनाइएगा सावधानी पूर्वक और प्लानिंग करके टीम बनाइएगा। ठीक है, आप लोगों का एक और डाउट यह था कि मान लीजिए कि आपने पिछले मैच में विराट कोहली को चुना प्ले मल्टी मैच फैंटसी की किसी भी मैच में, उन्होंने मान लीजिए कि 100 पॉइंट किया, अगर आप अगले मैच में उन्हें हटा देते हैं तो क्या यह जो 100 पॉइंट है वो आपके कम हो जाएंगे ओवरऑल पॉइंट में से, तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि कोई पिछले मैच में आपने प्लेयर को चुना उसने कुछ पॉइंट किया और अगले मैच में अगर आप उससे हटा देते हैं तो इससे आपके पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ता, पॉइंट कम नहीं होता। उम्मीद है कि जो भी आपके प्रश्न थे जो मोस्टली लोग मुझसे प्ले मल्टी मैच फैंटसी के बारे में पूछते थे हमने उसका आंसर दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही बाकी जो भी आगे आने वाले टूर्नामेंट है जहां पर भी यह फॉर्मेट आएगा तो बाकी हम भी वीडियो बनाकर आपको बता ही देंगे। अगर इस फॉर्मेट में कुछ बदलाव हुआ तो उसकी भी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में मेरे सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कृपया मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।